देबा नाही आमे कर खजणा बेठी बेगारी करिबा मना देश स्वाधीन हेबार प्राय 82 वर्ष पूर्वरु एमिति एक ब्रिटिश विरोधी स्लोगान रो स्रष्टा थिले गांगपुर तथा आज समय सुंदरगढ़ जिला प्रजा मेली रो मुख्य पुरोधा माद्रिकालो जहांको रणहुंकार दिने ब्रिटिश बाहिनी को शिविर रे आतंक खेलाई देथिला। स्वाधीनतार 75 वर्ष पूर्ति उपलक्षे देश पाळुथुबा अमृत महोत्सव रे आम स्मरण रे सही तेजदीप्त योद्धा माद्रिकालो। माद्रिकालो प्रतिरोधात्मक मुक्ति संग्राम रो अन्यतम प्रख्यात संग्रामी ब्रिटिश विरुद्ध रे निजको प्रमाणित करथिबा वीर योद्धा तांको कहानी केवल ओडिया नुहे हजार हजार भारतीय को आज भी उद्वृत्त करुछि। एबेकार सुंदरगढ़ जिला तत्कालीन ब्रिटिश शासन काल रे सिंहभूमि और गांगपुर राज्य अंतर्भुक्त थिला। आदिवासी मूल निवासी माने एठारे बहुल भाव रे रही आसुथिले। घंच जंगल रे परिपूर्ण ए अंचल रे अधिकांश प्रजामुंडा उराओं खड़िया किसान और भूया संप्रदायर थिले। 1848 मसीहारे भूया मानंको मुखिया लक्ष्मण कालो और हारावती कूलमंडन करिथिले ओडिशा आकाशर आउ एक ध्रुवतारा माद्रिकालो। महावीर पर्वतर पादेश कुरेई बगा गाँ से दिन एक अजणा महकरे पुलकित होता सत हेले जानी नथिला तारी माटीर पुओ दिने ब्रिटिश को पाणी पियाई देबो एथिस भारत छाड़ी चली जिबाकु पुणी थरे भाविया पई बाध्य करिबो। आमर बापा मन को सुनी पाइछे मुई जे से गोटे इंग्रेज मान संगे माने से लड़ुले आमर गाँ के भी पोषवा लगे नहीं दौले आओ से जोधा थिले माने इंग्रेज मान के जनता के ताने ढुकी नहीं पार्बे एकजुट करोउथिले माने से गोटे संग्रामी थिले किंतु ताको जेने सरकार माने से गोटे संग्रामी बोलिकी जेन घोषणा नहीं करवार माने ये गोटे बहुत दुखर कथा है किंतु लोक माने कहछन जे माद्रिकालो गाँव बोलिकी पूरे बगाट के घोषणा होचे लोक माने कही पारुछन किंतु सरकार सेटाके माने घोषणा नहीं करवार आर माद्रिकालोर गोटे ताकर मूर्ति गोटे ये जगार तैयार हो आ मंडपटे तैयार हो ताकर घर द्वार तो सेड़ा आम देखनी आड़ा जेन जगार थिला बोलछन माने से जगार एखेन आटा माने चिन्ह बर्ण किसी नहीं ना हाँ पहाड़ रे भी रोले जंगल रे भी रोले से आदिवासी भूया मुखिया घरे जन्मग्रहण करते हेले एने माद्री मनरे तिलेमात्र गर्व कि अहंकार नथिला। पिलाटी दिनरु सांगसाथी मेलरे पहाड़ चढ़ीबा नई पहरिबा जंगल रे शिकार करिबा आदि रे माहिर थिले माद्री। तांको विचक्षण बुद्धि तंत्र विद्या सांग को परोपकारी गुण से समय समस्त मुग्ध करथिला। किशोररु युवक होइथिले माद्रिकालो। ठीक एही समय रे गांगपुर राज्य रे प्रजा आंदोलनर सूत्रपात हुए। पारंपरिक आदिवासी जमीदार गौंतिया प्रथा उच्छेद सह कुचक्री राजा रघुनाथ शेखर और इंग्रेज सरकार प्रजा मान अकथन्य अत्याचार चल जो आदिवासी भूया गंड किसान गौंती मैंने राजस्व कर खजना देवा अक्षम होते से पद छड़ाई निया जाऊला। अनेक मूल निवासी भूया मैंने निज जल जंगल जमी उपर मालिकाना हर बसिले। विदेशी साम्राज्यवादी इंग्रेजी सरकार और अत्याचारी राजशासन विरोध में 1865 मसीह भूया मेलीर सरदार माद्रिकालो विद्रोह घोषणा कले आ माद्रिकालो को पूर्ण समर्थन देते गांगपुर राज्यर समस्त मूल निवासी भूया गंड किसान और खड़िया माने आमे तो छोट छोट थिलु से समय आमर बापा मन को ठानु कि आमर गाँव रयोज्येष्ठ मन ठानु सुनी जे माद्रिकालो ये गाँव रिले बोलिका और जिते बिल इंग्रेज सरकार से टे गंडगोल करूला से समय से लोक मैंने कहला जे भाई तुम्हें समस्ते एकजुट हो और तुम्हें खजना नहीं देव माल गुजारी इटा से लोक मैंने कहते सरदार माद्रिकालो स्लोगान थिला देबा नाही आमे कर खजना बेठी बेगारी करिबा मना। महावीर पर्वतर घाटी गुड़िक विद्रोही मानकर गुप्तस्थल महावीर पर्वत और एही पर्वत दे बही जाउतबा किया झरण बिल्लोपी बीर माद्रिकालो बिल्लोबर केन्द्रबिंदु सेठारे थरे माद्रिकालो ब्रिटिश मानक सहित गरिला युद्ध करुथिले।
ଆଉ ଅନେକ ବ୍ରିଟିଶ ସୈନ୍ୟଙ୍କୁ ନିହତ କରିଥିଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାଧୀନତା ସଂଗ୍ରାମ ଇତିହାସକୁ ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୂମିକା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କର ହିଁ ରହିଛି। ଯଦି ପୁରା ତାଲିକାକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ତ ସେ ଭିତରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ମାଦ୍ରିକାଲ ଅନ୍ୟତମ, ଆଉ ସିଏ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଇଂରେଜମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ି ନଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ମାନେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ର ଗାଙ୍ଗପୁରଗଡ଼ର ରାଜାଙ୍କର ଅତ୍ୟାଚାର କି ଶୋଷଣ ହେବା ଆଦିବାସୀମାନଙ୍କ ଉପରେ, ତାରି ବିରୋଧରେ ସେ ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ଯାହା ଇତିହାସରୁ ଜଣାପଡ଼େ। ଆଉ ସେ ସଶସ୍ତ୍ର ସଂଗ୍ରାମ କରିଥିଲେ ମାଦ୍ରିକାଲ, ଆଦିବାସୀଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲେ, ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଉପରେ ବହୁତ ଶୋଷଣ ହେଉଥିଲା, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର କର ଖଜଣା ଅନ୍ୟାୟ ଭାବରେ ଆଦାୟ ହେଉଥିଲା, ଯେଉଁଟାକୁ ମାଦ୍ରିକାଲ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ। ମାଦ୍ରିକାଲଙ୍କ ପରାକ୍ରମ ଦେଖି ଚକିତ ହୋଇଥିଲେ ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ, ଅନେକ ଚେଷ୍ଟା କରି ମଧ୍ୟ ମାଦ୍ରିକାଲଙ୍କୁ ପରାସ୍ତ କରିପାରିନଥିଲେ। 1895 ମସିହାରେ ମାଦ୍ରିଙ୍କର ଆନ୍ଦୋଳନ ଚରମ ସୀମାରେ ଥାଏ, ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ବାହିନୀ, ଗାଙ୍ଗପୁରର ଅନେକ ଅଞ୍ଚଳରେ ଅନୈତିକ ଖଜଣା ଆଦାୟ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ବ୍ରିଟିଶ ସରକାର। ସିଂହଭୂମି ଅବସ୍ଥାପିତ ବ୍ରିଟିଶ କମିଶନର ମାଦ୍ରିଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ କେସ୍ ଖୋଜନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ କିଛି ଖଳ ପ୍ରକୃତିର ଲୋକଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ଲୋଭ ଓ କ୍ଷମତା ଲୋଭ ଦେଖାନ୍ତି। 1897 ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ ତାଙ୍କର ଅତି ନିକଟସ୍ଥ ବନ୍ଧୁ ଭଗବତିଆ ସାହୁଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା ଯୋଗୁଁ ବ୍ରିଟିଶଙ୍କ ଜାଲରେ ପଡ଼ିଯାଆନ୍ତି ମାଦ୍ରିକାଲ। 1897 ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜେଲ୍ ଏବଂ ପରେ 1906 ମସିହାରେ ହଜାରୀବାଗ ଜେଲ୍ରେ ରଖାଯାଏ ମାଦ୍ରିକାଲଙ୍କୁ, ଯେଉଁଠାରେ ତାଙ୍କୁ ଅକଥନୀୟ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଇ ଶାରୀରିକ ଭାବେ ପଙ୍ଗୁ କରିଦିଆଯାଏ ଏବଂ 1910 ମସିହାରେ କାରାଗାରରୁ ମୁକ୍ତ କରିଦିଆଯାଏ। ଶାରୀରିକ ଅକ୍ଷମ ଅବସ୍ଥାରେ ନିକଟସ୍ଥ ସମ୍ପର୍କୀୟଙ୍କ ଘରେ ଥାଇ 1914 ମସିହାରେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରନ୍ତି ମାଦ୍ରିକାଲ, ଲିଭିଯାଏ ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତ ମାଟିର ଆଉ ଏକ ଉଜ୍ଜଳ ଦୀପ, ଯେଉଁ ଦୀପ ଆଜି ଆକାଶରେ ଥାଇ ଅନେକ ଦେଶଭକ୍ତଙ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ପାଇଁ ଆଲୋକ ଦେଖାଉଛି।